जैसे कि हम अगर युति की बात करें तो अगर बहुत से है ऐसे इनकमिंग फिलहाल शुरू हो रहा है, लेकिन बीजेपी और सेना अभी इन दोनों में सीटों को लेके कुछ विवाद हो सकता है आने वाले दिनों में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए डेफिनेटली विवाद हो सकता है। बीजेपी की अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं 6/4/1980 वृश्चिक राशि है बीजेपी की, और वृश्चिक राशि में इस वक्त गुरु बैठा हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी के इस बार यहाँ पर जीतने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। और इस वक्त बीजेपी की कुंडली में अगर हम देखें तो शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, इसलिए शिवसेना के साथ विवाद होना कुंडली के हिसाब से ही नजर आता है। शिवसेना 19/6/1966 बाला साहब ने 19/6/1966 में शिवसेना का जन्म हुआ, संडे का दिन था, और उसके बाद में मिथुन राशि, और इस वक्त अगर शिवसेना की कुंडली का अध्ययन करें तो शिवसेना की कुंडली में बुध की महादशा चल रही है, डेफिनेटली वाद विवाद होता हुआ दिखाई देता है। अगर बीजेपी 154 सीट लेना चाहती है और इनको 120-110 देना चाहती है, तो डेफिनेटली जब आमदारगी का इलेक्शन हुआ तो 50-50 की कुछ बात चल रही थी, इस वक्त डेफिनेटली उग्र हो सकते हैं उद्धव जी। और इन दोनों की कुंडली का, उद्धव की कुंडली का और देवेंद्र की कुंडली का जब मैं अध्ययन करता हूं तो एक बात पक्की है कि कहीं ना कहीं इनका कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखाई देगा। 5-7-10 सीटें उद्धव जी को ज्यादा मिलेंगी, बीजेपी को ज्यादा मिलेंगी, उद्धव को कम मिलेंगी, मगर दोनों ही सत्ता में आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जो है उसको कोई ठुकराता नहीं है, कहीं ना कहीं पावर जो है वो लक्ष्मी का ही रूप होती है। मुझे लगता है कि ये दोनों आराम से सत्ता में वापस आते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल।